हम बनाएंगे बिस्किट से चॉकलेटी मोदक। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चॉकलेट मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ दो पार्ले जी के पैकेट ले लिए हैं, कुछ कैश्यू नट्स ले लिए हैं यानी काजू। यहाँ मैं 1 से 2 चम्मच न्यूटेला ले लूंगी। आप इसकी जगह पे चॉकलेट सिरप भी यूज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले उनका पार्ले बिस्किट का फाइन जो है चूरा बना देते हैं। इसे मिक्सी के एक जार में डाल देंगे जिससे कि पूरा इसे पीस लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने पाउडर को बिल्कुल महीन पीस लिया है और यहाँ काजू को दरदरा टुकड़ों में काट कर लिया है। इसे हम इसमें मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा डो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। बिल्कुल नरम नहीं बनाना है इसे, थोड़ा सा टाइट ही रखना है। हम इस प्रकार का एक मोल्ड ले लेंगे और इसमें हम इसे स्टफ करेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसमें कोई भी नट्स डाल सकते हैं या फिर आप इसमें गुलकंद की भी फिलिंग भर सकते हैं, चॉकलेट की फिलिंग भर सकते हैं। इसमें इसे इस तरह से स्टफ कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मोदक जो है बनकर तैयार हो चुका है, चॉकलेटी मोदक, और बिना गैस जलाए हमने ये बनाया है। इससे पहले मैंने आपके साथ बेसन के मोदक और सूजी के मोदक की रेसिपी शेयर की है और इसे हल्के हाथ से बाहर निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे मोदक जो है बनकर तैयार हो चुके हैं। आप अगर ज्यादा बनाने चाहते हैं तो आप 2 की जगह 4 बिस्किट के पैकेट्स ले सकते हैं।